हेलो गाइस, वेलकम टू ज़कोर गेम्स। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। कल का वीडियो आई होप कि आप लोग ने सब ने देखा होगा। देखा है ना भाई? अरे आप ही लोग तो बोल रहे थे सोल्यूशन चाहिए यार, आपका एफ की नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई बोल रहा है पबजी मोबाइल नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है 3 GB की नई अपडेट आई है वो अपडेट के ऊपर पबजी मोबाइल नहीं काम करता है, कोई बोलता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सब चीज़ को निचोड़ मैंने एक ही वीडियो में निकाल दिया। बहुत 2-3 घंटा खपाया मैंने उसके पीछे और मैंने वो वीडियो बनाया और वो चल भी गया था। उसके बाद फिर मैं सो गया। सीधी सी बात है, सुबह के 4-5 बज गए थे यार, तो सोऊंगा ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। उस बोल रहा हूँ मैं, उस वीडियो में मुझे एक कमेंट ऐसा आया था जिसमें बंदे ने कहा था कि भैया आइकॉन का है पबजी का। गुड क्वेश्चन। ये चीज़ मैंने उस दिन नहीं देखी, मतलब कल मैंने ये चीज़ नहीं देखी। और कैसे देखता, क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट पबजी ऑन हो गया था। फिर मैंने चेक किया, हाँ सब बराबर चल रहा है, फर्स्ट क्लास, ठीक है कल खेल लेंगे। और जब मैं शाम को अपनी पब्लिक के साथ खेल रहा था, हाँ 2v2 मस्त में सेशन चल रहे थे अपने, बहुत भारी वाले, मज़ा आ गई थी भाई। 5-6 लोग तो हो ही गए थे हम लोग 2v2 TDM। अगर आप लोग को भी खेलना है तो आ जाओ, शाम को 5:30 बजे मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मिलते हैं। और हाँ ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। फिलहाल पबजी मोबाइल का आइकॉन मिसिंग है भाई, लॉन्च कहाँ से करें? तो आज के वीडियो का क्रेडिट जाता है टेक विथ बोनीरुल को। जी हाँ, मैंने देखा था उनका वीडियो, उन्होंने सजेस्ट किया था कि किस तरह से आप मतलब उन्होंने क्या किया था कि आपने जब इंग्लिश में नहीं, आपने जब अपडेट किया था तब पता है आपका ऑलरेडी इंग्लिश में था, ठीक है। आप लोग ने अपडेट किया उसके बाद में आइकॉन वगैरह नहीं दिख रहा था, पबजी कहाँ से लॉन्च करें? तो उसने उस चीज़ का सोल्यूशन दिखाया था। उसने क्या किया था, एक डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट करवा दिया था जहाँ से आप डायरेक्ट पबजी को लॉन्च कर सके। बढ़िया। फिर मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा कि भैया चाइनीज़ के अंदर ही खेल लो, चेंज नहीं हो रहा। तो वो भी सही था। और अपने एक और पाकिस्तान के यूट्यूबर है सादिक भाई, मैंने उनका भी वीडियो चेक किया, तो कुछ कुछ सिमिलरिटी है आप मेरे में और उनके वीडियो में भी, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होगा। बट वो भी नहीं चला पाए थे, इंग्लिश में आइकॉन्स वगैरह नहीं आ रहे। तो सादिक भाई ने भी यही बोला है कि भैया चाइनीज़ वर्जन यूज़ करो। और हाँ वो भी यही बात मानते हैं कि 3GB ज़्यादा 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 स्टेबल है। देखो मोनीरुल भी यही मानता है 3GB बेटर है, मैं भी यही मानता हूँ 3GB बेटर है, सादिक भाई भी यही मानते हैं 3GB बेटर है, तो 3GB बेटर है यार आप लोग फॉलो करो और बाकी कीड़ा कंडी मत करो ज़्यादा इसके साथ में। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी का बैन नहीं होता बिना मतलब के, कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे। अपने क्लाइंट को अप टू डेट रखो, ठीक है, और उसके अंदर खेलो आप लोग। तो आज का वीडियो भाई थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है आइकॉन ढूंढने में, पबजी मोबाइल लॉन्च कहाँ से करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ये देखो ये TGP है, इसको रन करता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है चाइनीज में, मैंने सब आइकॉन पे क्लिक करके देख लिया, मुझे कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिला। अपने इंस्टॉल किए हुए पबजी मोबाइल को लॉन्च करने का। तो मोनिल ने जो आइडिया दिया वो आइडिया अच्छा है और मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और देखो अगर आपने सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया है ना, मतलब आपके पास सेटअप आया, आपने नेक्स्ट 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 किया, ख़त्म कहानी, तो फिर मोनिल का एकदम बराबर चल रहा है आप लोग के लिए। बट अगर आप लोग ने किया है मेरी तरह, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है TGP नाम का, इसके अंदर मैंने ये इंस्टॉल किया है आप लोग के सामने। लास्ट वीडियो आप मेरा चेक करेंगे आपको दिखाई देगा कैसे मैंने इंस्टॉल किया है। तो जो जो भी जिन्होंने भी मेरा वीडियो फॉलो करके इस चीज़ को इंस्टॉल किया है, मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका आइकॉन कैसे क्रिएट करना है डेस्कटॉप के ऊपर, पबजी डायरेक्ट पबजी लॉन्च करने का आइकॉन, ठीक है। तो मोनीरुल के वीडियो को हम लोग फॉलो करेंगे, बस उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और आप लोग का दूसरे ड्राइव का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी ब्लैक स्क्रीन वगैरह का इशू आ रहा है या फिर लॉन्च फेल दिखा रहा है, जिसने ऑब्वियस ही बात है आपने सी ड्राइव में नहीं डाला, और मोनीरुल ने एक जगह पे कहा भी है कि सी की जगह पे डी कर लो, पर वो खाली डी करने से नहीं होता है, ठीक है। तो डी के अंदर आपने जो फोल्डर दिया वो फोल्डर को भी इंक्लूड करने से होता है, पर ये चीज़ तो कॉमन सेंस वाली है, आप लोग इतना दिमाग लगा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मोनीरुल का वीडियो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी चेक करो, सपोर्ट करो यार, अपना बंदा है, देखो साथ में मिल के चलेंगे तो अच्छा अपने लिए ही है कि अपने को कोई हर चीज़ का सोल्यूशन मिलते जाएगा, आप समझ रहे हो, तो उस चीज़ को सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टेक विथ मोनीरुल को सपोर्ट करो और अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस, क्योंकि इसके अंदर मुझे आइकॉन दिख रहा नहीं है। यहाँ से भी बंद कर दिया और यहाँ से भी बंद कर दिया, ठीक है। तो
TGB को मैंने बंद कर दिया है, अब हम लोग को डायरेक्ट अपना एक आइकॉन चाहिए डेस्कटॉप के ऊपर जिससे अपन पबजी लॉन्च कर सके, दैट्स इट, सिंपल एकदम। तो क्या करना है, सिंपल फटाफट देख लो, अभी राइट क्लिक करो डेस्कटॉप के ऊपर, न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर डालो, यहाँ पर क्लिक करो शॉर्टकट पे, मतलब क्रिएट शॉर्टकट। यहाँ पर आपको ऐप मार्केट डॉट exe को चूज़ करना है। आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया है? मैंने किया डी ड्राइव के अंदर। तो डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम रखा मैंने TGB। TGB के अंदर TX गेम्स असिस्टेंट पे क्लिक करो, इसके अंदर फिर ऐप मार्केट के अंदर आपको मिलेगा ये, कहाँ गया ये रहा ऐप मार्केट डॉट exe, ख़त्म। इतना हो गया ना गाइस, इस स्टेटमेंट को आप डबल कोट में डाल दो, अरे दो वो यूं करके रहता ना, यूं दो ना नाम के बीच में, हाँ हाईलाइट करने के लिए डबल कोट, ठीक है। तो मैंने इसको डबल कोट में डाल दिया। अब अपन मोनिल की फाइल में से जो आगे के स्ट्रिंग्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्टकट क्रिएट कर, देखो अभी ये एक्चुअली OBB फाइल के अंदर, आपको याद है com.tencent.ig जैसे अपन APK और OBK डालते थे तो वो यही फोल्डर में डालते थे ना अपन, com.tencent.ig याद आया? अरे आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो टेंशन मत लो, इसको कॉपी करो यहाँ से, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग के, ठीक है। और इसको यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर आप एक स्पेस छोड़ो और फिर डाल दो इसको, हो गया। नेक्स्ट, ऐप मार्केट नाम रखो इसका, फिनिश। इसका कोई आइकॉन का ये नहीं दिख रहा है मुझे, दिखना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। नॉर्मली ऐप मार्केट का जो सिंबल होता है ना वो सेम अपना TGP के जैसा होता है, पर मेरे इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, ना दिखने दे, कोई दिक्कत ना है, अपने को ये देखना है कि चलता है कि नहीं चलता है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आपके इसमें शायद दिख जाए, मेरे इसमें कुछ बग ग्लिच व्लिच होगा। ये देखो डायरेक्ट 10 प्रोडक्ट का शील्ड चालू हो गया भाई नीचे, अपना पबजी मोबाइल अपन जब लॉन्च करते तो ये देखो डायरेक्ट स्टार्ट हो गया गेम। ओके गाइस, तो ये स्टार्ट हो गया है, देखो आपके सामने है, ठीक है। तो ये सेम मेथड है जो मोनिल ने यूज़ किया, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, जो मोनिल ने यूज़ किया वही मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा फोल्डर का ऊपर नीचे का है जो पब्लिक को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो ठीक है आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा। और ये रिक्वेस्ट आई हुई है हाइपर एक्स हार्डी एक्सेप्ट ऑल, जिसको भी मेरे साथ खेलना है शाम को 5:30 बजे डिस्कॉर्ड पे मिलो और बिना माइक के मत मिलो, हाँ बात ही नहीं करनी तो फिर मतलब क्या साथ में खेल के, जो है स्ट्रेट है भाई, जो आज खेलेगा वो कल स्ट्रीमिंग में भी दिखेगा मेरे साथ में, क्या बात है। ओके तो भैया बस यही बताना था आप लोग को कि किस तरह से अपने को आइकॉन क्रिएट करना है। देखो ये आइकॉन है ना, इसका अगर आपको चाहिए ना तो आप प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर आपको अगर इसका ये चेंज करना है, फाइल ओपन, फाइल लोकेशन ओपन, चेंज आइकॉन देखो, ये देखो यहाँ पर ये वाला आइकॉन है, ओके करो इसको, आया क्यों नहीं है पता नहीं, ओके ये आना चाहिए। देखो गाइस इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, दिखाता था यही आइकॉन दिखा रहा है, पर पता नहीं क्यों, शायद मेरे रीस्टार्ट करने पर दिखा देगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे की है। ओके तो बाकी सब प्रॉब्लम नहीं है, अपना गेम चल रहा है यार, सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना गेम चल रहा है ना और आपको आइकॉन मिल गया गेम लॉन्च करने के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।